गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं कहाँ, अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पास में रहती है, सो मैंने सोचा कि वहाँ चलते हैं आज। एंड मैंने क्या पहना है ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, कि फुल लुक नहीं दिखा पा रही हूँ, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने देख ही लिया है। सो पहले मेरा प्लान ना थोड़ा सा जल्दी जाने का था, बट मैं लेट हो गई यार, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा मार्केट चले गए। मार्केट नहीं, मतलब ज्वेलर्स की शॉप पे। मैंने यहाँ पे ऊपर जो पियर्सिंग है ना मेरे ऑलरेडी एक, तो वहाँ के लिए मैंने स्टोन वाला इयर रिंग ले लिया है, जैसा नीचे है ना वैसा ही। और यहाँ हमने को कुछ लेना था, तो हम लोग पहले वहाँ चले गए। और फिर थोड़ा सा लेजीनेस हो गई, क्योंकि आज क्या है, फ्राइडे है, तो लेजीनेस तो हो ही गई। फिर मैंने कहा ठीक है अभी चलते हैं, एक बज रहा है अभी। वैसे मेरा प्लान था 12 बजे निकलने का, 1 बज गया है। और वो मुझे रास्ते में मिलने वाली है, क्योंकि मुझे उसका घर का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है। मैं बहुत साल पहले एक बार गई थी, बहुत ज़्यादा साल पहले, तो वो मुझे रास्ते में पिक करने वाली है। और ये मेरी जो फ्रेंड है ना, मेरी डिप्लोमा किया है, लाइक 7 से 8 साल पुरानी, हाँ कह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा। सो बहुत टाइम के बाद मिलेंगे हम लोग आज, 5 या 6 साल के बाद, हाँ 5 या 6 साल के बाद मिलेंगे। तो अभी चलते हैं, एंड में फिर आपको रास्ते में मिलती हूँ डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक रियल का गिफ्ट पैक, ये वाला रियल जूस का। एंड ये मैंने लिया है अनंत बेकर्स। फाइनली क्या, सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के पास। हाय, सो मैं आई हूँ नेहा के पास। एंड अभी हम हैं रास्ते में, ये मुझे पिक करने आई थी रास्ते में, जैसे मैंने आपको बताया था। और अभी घर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्टली। आज हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें की। और इसका जो किचन है ना, वो ओपन है, लाइक कोई कुक भी करता जाता है एंड बातें भी होती जाती हैं। जब किचन बंद होता है ना, तो खड़ों के बातें करनी पड़ती हैं यार। इस टाइप के ना किचन मुझे बहुत सही लगते हैं, ओपन किचन, क्योंकि आप ना सामने वाले से बात भी कर सकते हो एंड सामने आप कुक भी कर सकते हो। तो 5, 6, 7 साल की जितनी भी बातें हमारी पेंडिंग थी ना, वो सब हम लोगों ने की। और ये मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ डिप्लोमा में पढ़ती थी, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है पहले। तो डिप्लोमा के बाद मैं इससे एक बार और मिली थी, अलीगढ़ में ही रहती, मैं भी अलीगढ़ में रहती थी, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई थी। और हम एक ही हॉस्टल में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे ना प्राइवेट हॉस्टल्स थे, तो हम लोग वहीं पर रहते थे। तो फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद मैं शादी से पहले तक इससे मिली थी, बट फिर ना कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, मेरे पास से नंबर डिलीट हो गया था, इसके पास से भी। तो लास्ट टाइम मैं अमीनिशा गई थी ना, तो वहाँ मुझे ये मिल गई थी, और फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए। और फिर तो लास्ट टाइम मेरा प्लान था जाने का, बट जा ही नहीं पाई। फिर इस बार हो गया कि चल ठीक है, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो आपको तो पता ही है, लड़कियाँ मिल जाएँ तो कितनी बातें होती हैं, बस उतनी ही बातें हुई। और यहाँ पर साथ में कुक भी करती जा रही है, बहुत टेस्टी टेस्टी कुछ मेरे लिए, जो मैं आपको भी दिखाऊँगी आगे। तो वेट करना क्या बन रहा है। सो आप लोगों ने देख लिया, हम लोग कर रहे हैं बहुत देर से बातें, एंड अभी नेहा कुछ बना रही है बहुत टेस्टी सा। मैं आपको, और देखो पीछे क्या हो रहा है, पीछे नेहा का ट्राइपॉड लगा हुआ है, उसका वीडियो भी बन रहा है। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि नेहा भी डेली लाइफ व्लॉगिंग करती है मेरी तरह। सो अगर आपको इसके घर के वीडियोज़ देखने एंड इसके किचन के वीडियोज़ देखने हैं ना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हो चैनल का, जहाँ पे ये आपको टेस्टी टेस्टी खाना खजाना दिखाने वाली है। एंड अभी मैं इसकी रेसिपी दिखाती हूँ क्या बना रही है। मैंने इसने काफी सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, एंड ये क्या बना रही है, क्या बना रही हो बहन तुम? मैं बना रही हूँ ये चीज बॉल्स। ओह वाओ, मेरी फेवरेट, मुझे अच्छी लगती है। Okay. और इधर पास्ता, रेड सॉस पास्ता बनाऊंगी। ओह माय गॉड, सो मुझे आज बहुत कुछ मिलने वाला है खाने के लिए। तो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं चीज़ बॉल्स, एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और इस लेवल तक फ्राई किए थे उसने स्लो मीडियम फ्लेम पे, बहुत टेस्टी थे। एंड यहाँ पे पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो एक कढ़ाई लिए, उसमें ऐड किया थोड़ा सा गार्लिक, उसके बाद ऐड किया है प्याज, उसके बाद उसने ऐड किया बहुत सारी वेजिटेबल्स जो कट करके रख ली थी। उससे पहले प्याज को ना पका लिया है, टमाटर ऐड करके इसमें नमक डाल दिया है ताकि टमाटर गल जाए, एंड इसे कवर करके रख दिया है लाइक फॉर 2 से 3 मिनट के लिए। एंड बीच में एक बार चेक कर सकते हो टमाटर अच्छे से गल गया है या नहीं। तो यहाँ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड किया, उसे मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, एंड बहुत टेस्टी बना था यार, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। टमाटर को मैश कर दिया है, और उसके बाद क्या किया है मैं देखती हूँ वीडियो में, तभी आपको बताती हूँ। इसको मैश अच्छे से कर दिया है, एंड फिर ऐड किया है इसने गोभी, और उसके बाद ऐड कर दिया है कैप्सिकम, एंड साथ में कॉर्न भी ऐड कर दिया। तो लाइक जो भी वेजीज है ना, सब ऐड हो गया है। उसके बाद इसे मिक्स कर दिया है, एक अच्छा सा पेस्ट टाइप बन गया है। केचप ऐड कर दिया है, और फिर ऐड कर दिया है पास्ता। इससे क्या हो रहा था ना, जैसे कि केचप ऐड है, बाकी सारी वेजेज आप देख रहे हो ना, एकदम थोड़ा लिसलिसी टाइप हो गई है, तो पास्ता में बहुत अच्छे से ना ऐड हो गई थी, एंड बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था। कॉर्न से हल्का सा मीठापन भी था, मतलब बहुत टेस्टी लगा मुझे।
क्योंकि मैंने अपने हाथ से बना के कभी ट्राई नहीं किया है, तो मुझे अच्छा लगा। ये तो बनाया बहुत टेस्टी वाला पास्ता, और ये है समोसे की चटनी, कॉफ़ी कॉफ़ी, एंड ये है चीज़ बॉल्स, और ये समोसे मंगवाए थे। तो मैं सब कुछ ना टेस्ट करके बताती हूँ कि इसने कैसा बनाया है, अच्छा बनाया है या नहीं। टेस्ट करते हैं जल्दी से इसको। तो हम लोग ना धूप में बैठ के खा रहे हैं, मतलब मैंने कह दिया था यार रूम में नहीं खाएंगे, थोड़ा गेट खोल लिया था तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी, और धूप में मज़ा आ रहा था खाने में, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें। पहले हम लोगों का प्लान था छत पे चलते हैं खाने के लिए, फिर लगा कि चल यहीं बैठ के खा लेते हैं, धूप तो आ ही रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। मैंने कहा इसके घर में बहुत ठंडा लग रहा था पूरा, आपने देखा ना लाइक वो है कवर्ड नहीं है कहीं से, तो एकदम ठंडा हो रहा था, और वैसे धूप प्रॉपर आ रही थी सामने से, तो अच्छा लग रहा था, ठंडा भी एंड गर्म भी। तो हम लोग अभी आए हैं छत पे, एंड इसने ना यार यहाँ पे खेती कर रखी है, मैं इसकी वीडियोज़ में देख रही थी, मैं कहती थी यार नेहा तूने कहाँ से किया ये, और ये देखो टंकी है ना, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, इसने इतना पालक, ब्रोकली और कड़ी पत्ता और क्या क्या है, मिर्ची टमाटर बथुआ सब उगा रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो 1000 लीटर की टंकी है ना ये तेरे, ये देखो भाई साहब पालक देख रहे हो आप, ये देखो अच्छे खासे कट किया है, और बल्कि कल इसने कट किया है यहाँ से, ये देख रहे हो अच्छे खासे बड़े बड़े पत्ते हैं पालक के। यहाँ पे क्या कर रखा है तूने, ये मैंने इधर तो येलो कैप्सिकम अभी वो किया, पौध कर रही हूँ। अच्छा इसमें प्लांट भी आने लगा ना छोटे छोटे, ये इसी के यहाँ क्या, नहीं अभी तो मेरे को उगता हुआ नहीं दिख रहा, और उधर ग्रीन कैप्सिकम, और इधर मैंने ब्रोकली की और करी है। ओ भाई यहाँ ब्रोकली, यहाँ येलो, यहाँ रेड, भाई तू तो फिर ऐसा सब्जी खरीदना बंद कर देगी। ये क्या है, ये ब्रोकली के हैं, इसमें ब्रोकली कब आएगी अभी देख देख, शायद छोटा सा फूल दिख रहा है, ये तो अभी नहीं इस पे पहले आएगी। अच्छा भाई सही है, यहाँ ब्रोकली आ जाएगी, टमाटर पे भी आने लगे, ये टमाटर ये लग रहा है, अरे हाँ ये रहा छोटू टमाटर, ये इस इधर वाली देश पे देख काफी बड़ा हो गया, ये रहा टमाटर, अरे हाँ ये रहा एक टमाटर, हाँ टमाटर अब आने लगे, काफी आ रहा है, हाँ बहुत छोटे छोटे बट, और इसने ना देखो यहाँ पे कड़ी पत्ते लगा रखे हैं, इतने सारे कड़ी पत्ते हैं ना, ये क्या है, ये टमाटर है। अच्छा ये इनके भी मैंने कटिंग की है जिससे कि ज्यादा इसकी वो हो, ये भी टमाटर, हाँ ये भी टमाटर, हाँ और ये कड़ी पत्ता, हाँ। और इसने ना क्या कर रखा है यहाँ पे, ये सीमेंट का इस तरीके से बनवा दिया है काफी बड़े एरिया में, और यहाँ पे ये करती है खेती। यहाँ पे क्या क्या कर रखा है तूने, ये तो हरी मिर्चें हैं जो कि अभी मैंने कटिंग की है इनकी, और ये पौधा भी लगाई है, और ये मेरा ये उग रहा है खीरा। अच्छा खीरा आ जाएगा, हाँ खीरा अब इस पे चढ़ा दूंगी ना। अच्छा यहाँ पे ना इसने बेल के लिए लगा रखा है ताकि बेल ऊपर चढ़ाती रहे, अंगूर अंगूर की बेल लगा ले। हाँ सही कह रही है, हाँ अच्छा आइडिया दिया है मैं। ये यहाँ पे क्या है, इसमें वही डालूंगी अभी, ये तो ब्रोकली वगैरह जब उग जाएगी या कैप्सिकम तो इसमें ग्रो करूंगी। अच्छा वहाँ से शिफ्ट करके, और ये उसका करेले का अभी एक ही उगा है पौधा, अच्छा इसी पर चढ़ा दूंगी करेली, करेले को भी करेली। और ये देखिए ओ भाई अच्छा, ये रहा पुदीना कितना फ्रेश है, अरे देख इससे फ्रेश, ये रहा ये थोड़ा सूख गया है पर देखना ये इतना अच्छा खासा पुदीना, टमाटर ये रहे, ओफ अभी तो यहाँ पे भी है, पानी नहीं लगा थोड़ा सा, बहुत सारा पुदीना इकट्ठा कर लिया है। ये क्या है, ये हरी मिर्च। अच्छा ये क्या है, जब नहीं है। नहीं ये हो रहा हरा है अभी, अच्छा नींबू का पौधा है। तो ये कहाँ चले गए सारे पत्ते, ये मैंने ये पहले टंकी में था तो मैंने यहाँ लगाया है ना, तो ये हाँ ये अभी दोबारा ग्रो होगा ये अच्छे से, ये ब्रोकली, हाँ सही है, तो ब्रोकली खाती रहेगी आज तुम साजी। और इसमें तो दो पौधे लगे टमाटर भी, इसमें एक और आ रहा है, और ये देखो यहाँ से तो एकदम ठंडी हवा, फ्रेश हवा, सही टाइम पास। चलो अभी चलते हैं नीचे, सो बज गए शाम के 6, एंड बातों में हम इतना ज़्यादा लेट हो गए कि टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं, मैं दिन में आई थी रात हो गई। रात हो गई ऑलमोस्ट, एंड हम जा रहे हैं, हमने इतनी बातें की आज, इतनी बातें की, सारी बातें यादें ताज़ा हो गई, इतनी सारी बातें कि हम कितने साल के बाद मिले भी हैं, 5-6-7-8 साल के बाद, और बस अभी जिस जा रहे हैं जिम, और उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ घर, एंड आज घर पर भी कोई आने वाला है, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, बस मैं घर जा रही हूँ,
और फिर घर जाके मिलती हूँ। अभी मैं इसे बाय बाय बोल देती हूँ और हम जल्दी मिलेंगे। मैंने इसे एक बहुत बड़ी ड्यूटी दे दी है पालक उगाने की मेरा। मैं इसे गमला दे के जाऊंगी और नोएडा जब जाऊंगी ना इसे पालक लेके जाऊंगी। हाँ पक्का पक्का। हाँ ये पालक ये मेरी खेती वाली दीदी होगी। अब मैं जो भी खेती क्या करूँगी इनसे पूछी क्या करूँगी। हम लोगों ने लिटरली बहुत बातें की हम बहुत बात है। एंड आज मैंने कुछ नया टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया मैंने? क्या बनाया था अभी? चीज बॉल्स। तूने जो नया ट्राई किया? तूने नहीं, जीजू ने क्या बनाया था मेरे लिए? अच्छा पता नहीं क्या। लेमन वाली कॉफी। हाँ लेमन वाली कॉफी। उसमें कौन सा सिरप डाला था? अच्छा मेरा वेट हो रहा है क्या? हाँ। ओ चलो बाय 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 बाय। आपके फ्रेंड आने वाले हैं ना? फ्रेंड बैठेगी ना? ठीक है। आपके फ्रेंड आने वाले हैं ना? चलो बाय बाय नेहा। ये मतलब बाय नहीं कर रहे। बाय बाय स्टार्ट करने का देख रही थी ना। ये क्या है? तू आएगी ना मैं तो जब बुलाऊंगी। अरे तू तब का तब देख लेंगे। अभी ले जा दिवाली अब थी ना। मैं अभी नहीं दीदी मैं आ चुकी हूँ घर पे। एंड मैं जब घर पे आई तो मैंने देखा कि मेरा एक प्लम का कोरियर आया हुआ है। सो इसे अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे मैंने पढ़ दिया है क्या, बट फिर भी खोल के देखते हैं। इसके अंदर ना सारे ग्रीन टी के प्रोडक्ट्स हैं। सो तो घर पे आए हुए थे बुआ जी फूफा जी, मतलब मेरे आने के बाद आए थे। पहले मम्मी पापा बुआ जी फूफा जी कहीं और गए थे किसी काम से। और ये जो बुआ जी हैं इनके बेटे की आने वाली है इंगेजमेंट। तो हम लोग बहुत अच्छे वाले व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसी मंथ में इनकी इंगेजमेंट है भैया की। और उन भैया को आपने शायद मेरे वीडियोज़ में देखा भी है पहले। तो बस इंगेजमेंट में जाएंगे, उसी की प्लानिंग चल रही थी क्या पहनना है क्या करना है। एंड इसी की वजह से मैं अमीनिशा भी गई थी लास्ट टाइम। और आज भी मुझे थोड़ा सा काम है। मैं डांस करके वरुण को चिढ़ा रही हूँ कि मैं तो ऐसे डांस करूँगी। और बस सब लोग खाना खा रहे थे। मम्मी ने आज बनाए थे बथुए के पराठे विद आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। तो मैंने खाना सर्व करा था, सब लोग खाना खाते जा रहे थे, यही चल रहा था, बातें कर रहे थे हम लोग। रात में बहुत लेट नाइट तक बातें करते रहते। बुआ जी फूफा जी गए थे 11:30 अप्रॉक्स, मतलब 11 बजे अप्रॉक्स गए थे। और बस वही इंगेजमेंट की तैयारियां, बातें क्या करना है, कौन क्या पहन रहा है, कैसे कपड़े हैं, क्या कलर है, बहुत सारी तैयारी होती है जब घर में फंक्शन होता है। प्लानिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। फीलिंग सो टायर्ड। अभी बुआ जी फूफा जी गए हैं और अभी बज रहे हैं 11:30, मतलब वो लोग 11 बजे गए थे। फिर हम लोग थोड़ी सी बातों में बैठ गए और मैंने ना ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया। तो आपको वार्डरोब दिखाती हूँ एक बार। कल या परसों मैंने ऑर्गेनाइज की थी, तो एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने सामान को लगा दिया है। देखो यहाँ पे तो मैंने अपना पर्स रख दिया है। एंड ये एक हैंगर है जिसमें मैंने अपना काफ़ी सारे कुर्ता प्लाजो ये सब हैंग कर दिए हैं। एक ये हैंगर है एंड ये हैंगर है जिसमें वरुण की बहुत सारी टी शर्ट्स, बहुत ज़्यादा टी शर्ट्स टंगी हुई हैं। और इस दोनों में वरुण की शर्ट्स हैं। और फिर इस वाले वार्डरोब में यहाँ पे शॉर्ट्स एंड और यहाँ पे सारे मेरे पीछे दुपट्टे हैं ये सारे, है ना। और यहाँ पे ये मेरा बॉक्स है इयररिंग्स का। और पता है मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक ही ये मंगवाया है, फ्रीविल का एक पूरा पैक मंगवाया है शैम्पू कंडीशनर टाइप्स का अपने हिसाब से पूरा। सो इसका मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैक है ये, तो ये सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही जल्दी। तो ये इसलिए भी यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे मैंने नाइट सूट्स लगा दिए हैं ज़्यादातर, मतलब लाइक स्वेटर्स कुछ एंड नाइट सूट्स। तो ये मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। आज क्या हो गया, मेरे शाम से ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। शाम से नहीं मतलब ऑलमोस्ट सुबह से, जब से मैं नेहा के घर गई ना तो वहाँ भी धीरे 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 हो रहा था। मम्मी आज कपड़े धुले हैं क्या? ये प्रेस वाले तो आए हैं अभी। बैग कपड़े करके मेरा नेट सूट कपड़े उतारे हैं बाहर से। हाँ उतारे ना। कहाँ रखे हो उतार के? स्टोर में हैं सारे। अच्छा आपका घूम कर आए क्या? हाँ हाफ ग्लास। हाँ मम्मी दे गया मेरा नाइट सूट। यस हाँ। और वरुण ने हाँ भी कहा था। ये रहा मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार सोने के लिए। एंड मेरे इयररिंग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बता देना यार एक बार। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। बस दूध पीना है बस और फिर सोना है। इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड पता है 3-4 दिन से मैं व्लॉग को एंड ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइक व्लॉग ना चलते चलते ख़त्म हो जाता है अचानक से। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं इस व्लॉग को एंड करके ही रहूँगी। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो आप लोग मुझे मेरे नए नए अपडेट्स के लिए।
एंड फोटो सेशन जितने भी मैं कराती हूँ उन सब के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑलरेडी मेरी फैमिली का पार्ट हो तो थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, एंड कल मुझे जाना है घर तो वहाँ के व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो बाय, गुड नाइट।